हसन खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मैराथन जिला जसई जिला कलेक्टर ने लिया दौड़ में भाग। नशा बड़ा मुद्दा, इस पर रोक जरूरी, वरना आगे की पीढ़ियां भी हो जाएंगी। समीक्षा बैठक में बोले जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता। जिला प्रभारी सचिव ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। बुधवार को सीसीआई ने फिर डाला खरीदने आड़े का, किसानों के विरोध के बाद पहुंचे। अब खबरें विस्तार से। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक से कलेक्टर जाकिर हुसैन व डीजे ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। खास बात यह कि कलेक्टर डीजे सहित आला प्रशासनिक अधिकारियों ने इस दौड़ में भाग लेकर यातायात नियमों की पालना करने का संदेश दिया। मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा तथा सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने एवं सड़क पर चलने वाले सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। टीमों के प्रति जागरूकता के लिए ये रैली निकाली गई है और एक सप्ताह से कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि यातायात नियमों का पालन करें और अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखें। ये वैसे भी बहुत जरूरी है, कानून भी जरूरी है और अपनी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि नियमों का पूरी तरह से पालन करें और किसी तरह का उल्लंघन इसमें नहीं होना चाहिए, जो शहर की यातायात व्यवस्था के लिए, हमारे सुरक्षित जीवन के लिए, सभी की चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। पुलिस विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया है और सब ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं इस आयोजन के लिए हमारे पुलिस प्रशासन की टीम को बधाई देता हूँ और आप सब यहाँ पर पधारें इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जीवन अमूल्य है और यह देखा गया है कि बहुत सारी दुर्घटनाओं का कारण यातायात नियमों की जानकारी न होना है। और भी कारण है सड़क दुर्घटना के, लेकिन यदि हमें कुछ यातायात नियमों की जानकारी हो तो हम कुछ सावधानी बरतें तो बहुत सारी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि मोटर दुर्घटना दावा के जब मामले आते हैं तो उसमें कुछ छोटी सी गलतियाँ अगर यातायात नियमों की किसी के पास नहीं है तो उसका करीब करीब पूरा आर्थिक जीवन भी समाप्त हो जाता है, पूरा घर बार बिक जाता है। एक छोटा सा मामला देखा गया जिसमें सिर्फ उसने अपनी लापरवाही से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हुआ तो बीमा कंपनी की जिम्मेदारी मुक्त हो गई और उस आदमी पर जो सामने दुर्घटना हुई, जिस सामने वाले को चोट लगी, उसके कारण जो क्षतिपूर्ति 5-6 लाख रुपये देनी पड़ी वो उसके घर की जमीन बेचने से बिककर हुई। तो ये एक अगर जरा सी सावधानी बरती जाए, छोटे से नियम है ये, सिर्फ न सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारे परिवार के लिए और समाज के लिए, सभी के लिए आवश्यक है। तो सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार तो प्रयास करेगी ही, कर रही है, विभिन्न नियम भी हैं जिनकी भी पालना कराई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारा जागरूक होना है। जब तक हम इन सारी चीज़ों से अवगत नहीं होंगे, हमें जागरूक नहीं होंगे, हम ये नहीं मानेंगे कि हेलमेट बोझ नहीं है बल्कि एक बहुत जीवन के लिए आवश्यकता है, तभी संभव हो पाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आज भगत सिंह चौक से
यातायात थाने तक एक यातायात जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं डीजे साहब मुख्य अतिथि थे और उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर ये दौड़ प्रारंभ की गई थी और बहुत ही अच्छा सफल आयोजन रहा। इसीलिए मैं सभी जिला प्रशासन एवं न्याय प्रशासन को भी आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने सफल बनाने में सहयोग किया। अभी आगे समापन भी होगा सर, इसका समापन ये शाम को करेंगे और जो भी प्रतियोगिता आयोजित हुई है उसमें सभी को सम्मान करने का हमारा कार्यक्रम रहेगा। जिला प्रभारी सचिव और देवस्थान विभाग के सचिव आलोक गुप्ता ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुद्दा आया कि जिले में मेडिकेटेड नशे की समस्या बड़ी है। इस पर प्रभारी सचिव ने कहा कि नशा बड़ा मुद्दा है, इस पर रोक लगानी अति आवश्यक है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि नशे पर रोक को लेकर कोई ऐसा उदाहरण भी पेश किया जाए जो पहले नशा करता था और फिर बाद में उसने नशा छोड़कर अपने काम धंधे में लग गया हो। जिला प्रभारी सचिव और देवस्थान विभाग के सचिव आलोक गुप्ता ने बैठक के दौरान नशा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अति आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि तभी हम युवाओं को नशे से दूर रख पाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस, मेडिकल, ड्रग कंट्रोलर समेत अन्य विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करें। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने मेडिकेटेड नशे को लेकर विस्तार से बताया, पूरी जानकारी दी। बैठक में इसके अलावा जिला प्रभारी सचिव ने सभी विभागों की समीक्षा करते हुए सरकार की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर पूरी जानकारी ली। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने पिछली बैठक में आए मुद्दों को लेकर एक एक इश्यू पर हुई कार्रवाई को लेकर विस्तार से बताया, साथ ही जिले के महत्वपूर्ण इश्यूज को लेकर भी जिला प्रभारी सचिव के सामने रखा। कलेक्टर ने सीसीआई द्वारा खरीद को लेकर की जा रही आनाकानी को लेकर भी राज्य स्तर पर बातचीत करने और किसानों का रही समस्याओं के बारे में बताया। जिला प्रभारी सचिव ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कहा कि राज्य स्तर पर इस बारे में बातचीत कर सीसीआई के मुंबई कार्यालय के अधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी ताकि किसान का नरमा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक सके और किसान को परेशानी न हो। बैठक में पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने जिला अस्पताल में गायनोलॉजिस्ट लगाए जाने की मांग पर प्रभारी सचिव ने इस समस्या का राज्य स्तर पर बातचीत कर जल्द हल निकालने का आश्वासन दिया। इसके अलावा प्रभारी सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिस विभाग में खाली पद ज्यादा है वे इसके बारे में बताएं ताकि खाली पदों पर नियुक्तियों को लेकर जयपुर स्तर पर बात की जा सके। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने सिम समस्या के हल निकालने को लेकर बाड़ोपल और रावसर में चल रहे पंप का बिजली खर्च अत्यधिक आने की समस्या के बारे में भी जानकारी दी। वहां बिजली 11 रुपए प्रति यूनिट की दर से दी जा रही है जो बहुत ज्यादा है, इसे कम किया जाए। बाड़ोपल में प्रति माह बिजली बिल का खर्च 21 लाख और रावसर में 5 लाख आ रहा है, इतना बजट मांगने पर दिक्कत आती है। वहीं प्रभारी सचिव ने खरीफ और रबी फसल के बारे में जानकारी लेते हुए कृषि ऋण, नए दिए जा रहे ऋण के बारे में भी जानकारी ली। बैठक के आखिर में प्रभारी सचिव ने कहा कि शिक्षा विभाग पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर चल रहा है, इसको लेकर विभाग और सभी शिक्षक बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभाग इसी तरह से कार्य करते हुए जिले को पूरे राज्य में अग्रसर करने में अपनी महती भूमिका निभाएं। साथ ही कहा कि बजट घोषणा और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की क्रियान्विति में किसी प्रकार की कोताही न बरतें। जयपुर स्तर पर कोई दिक्कत हो तो बताएं, उसे जल्द निस्तारित किया जाएगा। जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने मंगलवार शाम जंक्शन स्थित जिला दवा वितरण केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दवा वितरण केंद्र में उपलब्ध न केवल दवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली बल्कि दवा के डिमांड और उसकी सप्लाई के बारे में भी पूरा ब्यौरा लिया। सीएमएच ने बताया कि 3 महीने का स्टॉक यहाँ है और कुल 804 तरह की दवा यहाँ उपलब्ध है, लेकिन साथ ही कहा कि जगह छोटी पड़ने के लिए कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। जिला प्रभारी सचिव और देवस्थान विभाग के सचिव आलोक गुप्ता ने बुधवार को जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाएं देखी और नवनिर्मित एनसीएस यूनिट को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि प्रभारी सचिव से बैठक के दौरान जिला अस्पताल के निरीक्षण का निवेदन किया गया था, जिसके तहत यह निरीक्षण किया गया है। इसके तहत एमसीएच यूनिट की व्यवस्थाओं, गायनोलॉजिस्ट लगाने सहित जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जो बजट आदि के लिए लिखा गया है। प्राइवेसी करना
मंगलवार को जिला प्रशासन की मध्यस्थता के बाद एसडीएम की मौजूदगी में शुरू की गई नरमा की खरीद बुधवार को ही सीसीआई के अधिकारियों की मनमानी की भेंट चढ़ गई। बताया गया कि सीसीआई के अधिकारियों ने नरमा की मॉइस्चर जांच के बाद 18% मॉइस्चर होने की बात कही, जिसके बाद नरमा की खरीद नहीं की गई। इससे किसानों ने विरोध किया और जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी। बताया गया कि सीसीआई के अधिकारी उसी पुरानी मशीन से मॉइस्चर की जांच कर रहे थे, जिसके चलते किसानों को 21 दिन आंदोलनरत रहना पड़ा था। लेकिन सूचना पाकर पहुंचे एसडीएम कपिल यादव की उपस्थिति में उस नई मशीन से जांच की गई, जिससे मॉइस्चर जांच के बाद मंगलवार को नरमा की खरीद शुरू करवाई गई थी। इसके बाद मौके पर आए सभी ट्रॉलियों में मॉइस्चर सही पाए जाने पर खरीद की गई। जैसे कल वार्ता हुई थी और कलेक्टर साहब की मध्यस्थता से वार्ता में ये तय हुआ था कि जो किसानों ने डिमांड पर जो मशीन मंगाई गई थी उससे कल जांच की थी, लेकिन आज यहाँ के सीसीआई अधिकारियों ने फिर गड़बड़ कर दी और दूसरी मशीन ले आई, जिसके चलते हुए 3:30 बजे तक एक भी ट्रॉली 80 ट्रॉलियों में से पास नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद में यहाँ किसान आक्रोशित हो गया, यहाँ एसडीएम डीएसपी और सबने आए और जो कल एसडीएम साहब ने खुद जांच करने वाली मशीन थी वो मंगवाई और आपके सामने है, आप देख लो कि सारी ट्रालियां पास हो गई है और अच्छे भाव लगे हैं, बोनस के साथ मिले हैं, मतलब 5450 रुपये से भी ऊपर रुपए इस बार किसान को प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलेंगे। ये किसानों की जीत है सर। सुबह से किसान हम यहाँ ट्राली लेके आए, लेकिन सुबह जो सीसीआई अधिकारी था, कल जो हमारी कलेक्टर साहब से वार्ता हुई थी, उस वार्ता के दौरान कलेक्टर साहब ने जो बात कही कि सुबह 5 सदस्य जो किसानों की कमेटी है वो भी चली जाए और आप अपनी ट्रालियाँ ले आना, हम लोग सुबह ट्रालियाँ लेके आ गए, लेकिन इन्होंने सीसीआई अधिकारी ने जिस मशीन से कल जो ट्राली पास हुई थी वो मशीन घर पे छोड़ दी और एक नई मशीन लेके आ गई, जिससे कि एक भी ट्राली पास नहीं हुई। उसके बाद में हम सारे किसान 60-70 ट्रालियाँ यहाँ लेके बैठ गए। ट्रालियाँ लेके बैठने के बाद में एसडीएम साहब आए, हमारे कुछ किसान कलेक्टर साहब के पास भी गए, कलेक्टर साहब के कहने के बाद में यहाँ एसडीएम साहब आए और आने के बाद में सीसीआई अधिकारी आया और वो जो मशीन थी जो कल पास की हुई मशीन थी किसानों की, वो कल जो आई उस मशीन, वो वाली मशीन आने के बाद सारी ट्रालियाँ पास हो गई और कोई भी ट्राली में 6% मॉइस्चराइजर आ रहा है, किसी में 5 आ रहा है और जो 20-20 बता रही थी सुबह वाली मशीन, इसलिए सब किसानों की ट्रालियाँ पास हो गई और बोनस के साथ पास हुई है। अब हर किसान का अगर 8% से कम मॉइस्चराइजर आएगा तो उसको बोनस मिलेगा और बोनस के साथ किसान को रेट मिलेगा। पूर्वांचल वासियों की मांग और छठ पर्व से जुड़ी आस्था को ध्यान में रखते हुए खुंजा नहर पर 100 फीट घाट निर्माण की शुरुआत कर दी गई है। गौरतलब रहे कि प्रशासन की ओर से बुधवार को निर्माण कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया गया था, जो आज विधिवत शुरू किया गया है। नई खुंजा नहर पर बुधवार को नहरबंदी के चलते जिला प्रशासन में विधायक से मिले आश्वासन के अनुसार घाट निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता तरुण विजय, सुमित रेणवा, सौरभ राठौड़, गुरदीप चहल, विजय सिंह चौहान, राधेश्याम गुप्ता, अनिल गुप्ता, केशव पाल आदि ने घाट निर्माण को लेकर नींव रखी। इस अवसर पर पूर्वांचल वासियों में उत्साह देखा गया। छठ पर्व से जुड़ी समिति सदस्यों का कहना था कि घाट निर्माण होने से छठ पूजा के दौरान काफी सुविधा मिलेगी। आज स्थानीय हमारे विधायक परम आदरणीय चौधरी विनोद कुमार जी ने जो छठ पूजा के उपलक्ष्य में जो घाट का निर्माण होना बकाया था, जो कुछ सीढ़ियाँ बची हुई थी
उसकी जो उन्होंने पूर्व घोषणा की थी आज उन्होंने पूरी करी है। भी लोगों ने यहाँ समाज के लोग हैं और सभी वरिष्ठ लोग थे, हमारे कांग्रेस जन थे, सभी ने आज यहाँ मिल करके सीढ़ी का जो उसका निर्माण जो बकाया था उसका आज विधिवत रूप से काम शुरू किया है और बहुत जल्दी जितनी भी सीढ़ियाँ हमारी मांग है वो पूरी कर दी जाएंगी। आने वाले छठ पर्व पर पूर्वांचल वासियों द्वारा जो मांग की गई थी 100 फुट के घाट की, चौधरी विनोद कुमार जी जो हमारे विधायक हैं उन्होंने जो वादा किया था उसको निभाया है और उनके वादे जो हैं वो हर वादा जो है वो निभाते भी हैं। उस दिन यहाँ धरना भी दिया गया था पूर्वांचल वासियों द्वारा, उनकी जो मांग थी उसको आज विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया गया है और छठ पर्व से पूर्व पूर्व ये घाट बना दिया जाएगा। पर जो हमारी प्रशासन से वार्ता हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि भी आपका घाट का काम शुरू करवा दिया जाएगा, तो आज 100 फीट जो घाट बना रहे हैं उसका काम शुरू हो गया है, तो हम प्रशासन का भी धन्यवाद करेंगे और जल संसाधन विभाग का भी धन्यवाद करेंगे, उन्होंने अपने कार्य को शुरू किया है। मांड करी थी तो 100 फीट का जो टुकड़ा है उसको छठ घाट में परिवर्तन किया जा रहा है, काम शुरू कर दिया है और कल तक ये पूरा बन जाएगा। इसके अलावा पुल के पास में अग्रसेन चौराहे का जो पुल है उसके पास में 100 फीट का टुकड़ा है, उसमें भी दोनों ओर पुल के दोनों ओर करीब 100 फीट का जो टुकड़ा है उसमें भी पूर्वांचल घाट ही बनाया जाएगा, छठ का घाट बनाया जाएगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका बलानाज हनुमानगढ़ पहुंचे। टाउन में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं से बैठक में हनुमानगढ़ में भाजपा का बोर्ड बनाने सहित युवा उम्मीदवारों को नगर निकाय चुनाव में आगे आने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं से चुनावी चर्चाएं हुई। आपके साथ खड़ा होता, आपको जो परेशानी आज किसी ना किसी छोटे या बड़े काम में के ना होने से हो रही है वो काम शायद हो जाते और आप कहीं ना कहीं अगर काम ना भी पड़ता तब भी ये महसूस करते कि आप जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो विधायक उसी पार्टी का है और वो कमी इस नगर निकाय चुनाव में ना रहे, इसलिए मैंने इतनी बड़ी बात बोली कि हमने MP जिता लिया, हमने विधायक नहीं जिताया, तो उस दोनों चीज़ का कंपैरिजन करिए और वो कमी इन नगर निकाय चुनावों में ना रहे, इसलिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं कि हमारे दिल और दिमाग में भाजपा और भाजपा का कमल का फूल रहना चाहिए। आपको या आपके किसी समर्थक को टिकट मिले ना मिले ये बात को छोड़कर, मिले तो बहुत खुशी से लगना और ना भी मिले तो भाजपा के कार्यकर्ता के नाम पर लगना। हर वार्ड से भाजपा का कार्यकर्ता जिसको टिकट मिले उसको जिताने का काम हम सब ने करना है और जो कमियां आपको लगे हमें जब प्रभारी के नाते जब दूसरे क्षेत्र में भेजा जाता है तो हमारा धैर्य होता है कि आप लोगों की परेशानियां, आप लोगों के कारण को भी हम समझें। आप में से जो अच्छे कार्यकर्ता हैं जो आगे या तो राजनीति में किसी चुनाव को जीतकर आगे आना चाहते हैं या पार्टी या संगठन में अच्छा कार्य करके संगठन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन सब की गतिविधियों का जो हमें ब्यौरा है वो ऊपर देते हैं और मैं समझती हूँ कि मेरा आना तभी सिद्ध होगा जब आप ये बात को समझें कि हमें सबको मिलकर अपने अपने वार्डों में, जो कि यहाँ पे मेरे ख्याल से लगभग आसपास के 2-3 वार्डों के कार्यकर्ता हैं, 33, 30, 26 और आसपास जो भी हैं पूरे हनुमान, वैसे ये मीटिंग थी कि हमें सब बूथ के कार्यकर्ता यहाँ मिलते, एटलीस्ट जो युवा मोर्चा के जो मेन मंडल जो इस निकाय में 2 मंडल आते हैं उनके कार्यकर्ता मिलते, क्योंकि जो भी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं हम उसी एरिया की बात करते हैं, तो ये 2-3 वार्ड जहाँ के भी हम सब इकट्ठे हुए हैं आपको लगता है आपके वार्ड से जो ज़्यादा डिजर्विंग है उनके नाम मुझे दे सकते हैं, आप में से जो दावेदारी रखना चाहते हैं उनके नाम मुझे दे सकते हैं। आज आगामी जो नगर निगम के चुनाव हैं उनको मद्देनज़र आज हमारे बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी प्रियंका जी बलान हमारे बीच में हैं। हनुमानगढ़ टाउन में बैठक रखी गई, वो हमारे बीच में पहुंचे और उन्होंने युवाओं में जो आगे नगर निकायों के मद्देनज़र जो भी भूमिका रहेगी उसके लिए उन्होंने युवाओं में जो भी ड्यूटियाँ हैं अलग अलग ड्यूटियाँ दी बताई गई सबको और ज़्यादा से ज़्यादा नगर निकाय चुनाव में युवाओं की भागीदारी रहे और
आगामी जो भी नगर जो ये निकाय का चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, इसके लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का कार्य किया। दीपावली के मद्देनजर चिकित्सा विभाग शुद्धता को लेकर अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके लिए 3 से 30 तक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत महकमा दूध मावा मिठाइयों आदि के सैंपल लेने का काम कर रहा है। इसके साथ ही प्रतिष्ठानों पर जाकर स्वच्छता को लेकर भी जांच की जा रही है, ताकि त्योहारी सीजन में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। दीपावली के अवसर पर जहां दूध मावा मिठाइयों की बिक्री ज्यादा होती है, ऐसे में आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। विभाग की ओर से समय समय पर दूध और मावा के सैंपल लेने का काम किया जा रहा है। ब्लॉक सीएमओ ज्योति ढींगड़ा व रसद विभाग की टीम द्वारा आज करनी मावा फैक्ट्री से मावा के सैंपल लिए गए। इस मौके पर डॉक्टर ढींगड़ा का कहना था कि प्रथम दृष्टया शुद्धता और स्वच्छता पाई गई है, इसलिए कहा जा सकता है कि आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। इसके बावजूद सैंपल लिए गए और जांच के लिए जयपुर भिजवाए जाएंगे। दिवाली जो अपना सबसे बड़ा त्यौहार है, उसको देखते हुए जो मावा और ये जो अपने खाने पीने की चीज़ें हैं, इनके सैंपलिंग के लिए हमारे माननीय मंत्री जी के ऑर्डर 3 से 30 तक हमने विशेष अभियान चला रखा है। यहाँ हनुमानगढ़ में हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश से हम लोग ये जाँच कर रहे हैं। आज जैसे मतलब हमने दूध के सैंपल लिए कुछ डेयरी पे जाके, यहाँ ये जो अभी हम खड़े हैं यहाँ करनी मावा फैक्ट्री है, यहाँ अच्छा मतलब मावे का बहुत बड़ा भंडार मिला है और यहाँ अभी हमें अच्छे सैंपल मिले हैं और वो हमने सैंपल लिए भी हैं टेस्टिंग के लिए। साफ़ सफाई, ताज़ा माल मिला है, ये भगवान का शुक्र है कि क्योंकि मतलब जो हमें डर था वो चीज़ नहीं मिली है हमें यहाँ। और मैं आशा करती हूँ कि हमें इनके सैंपल भी अच्छी मतलब जो हमने लिए हैं वो अच्छे जो आज भेजे जाएंगे जयपुर सही आएँ। जिस हिसाब से कंडीशन लग रही है उस हिसाब से तो अच्छे लग रहे हैं, आगे मतलब क्या कुछ कह नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हमारा काम है सैंपलिंग करना और आगे सैंपल अच्छे ही आने चाहिए, मतलब ये होप कर। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक। पॉलीवर्ल्ड अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखता है, इसलिए यही वजह है कि पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक 100% वर्जिन फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनी है, इसलिए बेहद हाइजीनिक है। आप इसमें पीने का पानी भी स्टोर कर सकते हैं। साधारण वाटर टैंक्स की तरह पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक में बदबू नहीं आती, इसकी वजह है इसका ये मजबूत थ्रेडेड ढक्कन। इसका ये जो मेन होल है ये बड़ा है, इसलिए फिटिंग करने के लिए इसके अंदर उतरने में आसानी होती है। इसकी लेयर मोटी होने की वजह से ये ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए इसमें उतरने में डर नहीं लगता और इसके बिना लिटाए ही फिटिंग कर सकते हैं। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक अपने फ्रेश कलर के वजह से दिखती कितनी खूबसूरत है, घर के खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक अपना, चिंता मुक्त हो जाओ। बुधवार को पेट्रोल पंपों की हड़ताल के चलते आमजन को काफी परेशानी हुई। इसके चलते एक तरफ जहां पेट्रोल पंप सुनसान नजर आ रहे थे, वहीं उन वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई जो पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से अपने वाहनों को घसीटने के लिए मजबूर थे। आप खुद सुनिए। देखो पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, अभी कोई इमरजेंसी कोई काम है, कोई हॉस्पिटल जाके आना है, किसी को कहीं जाके आना है, पंप बंद पड़े हैं, बाइक घसीट घसीट के परेशान हुए पड़े हैं पब्लिक को। जो भी है इनकी पेट्रोल पंप वालों की जो भी मांगे हैं सरकार से, अब उसका कोई ना कोई समाधान हो, आम पब्लिक परेशान हुई पड़ी है। अभी रास्ते में 10 बाइक मेरे को मिले हैं जो घीस घीस के लेके जा रहे हैं। मेरे को इमरजेंसी काम जाना था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन परेशान हुए पड़े हैं, तेल नहीं है बाइक में, क्या करें बताइए। में जा रहा हूँ मैं 3 का आज भाई साहब, और मैंने अब कसम लगे मेरी आज 3 का लास्ट फैसला है, 3 का ठीक है। मैंने ना मेरा बैग तेल ही है नहीं, तो मैंने भगवान से तेल दे ही जाए, मैं लता टूटा या हाथ टूटा है, हाथ देख लो, चाहे मेरा हाथ देख लो, पग टूटे हुए हैं, ठीक है। अपनी छोटी पर चलता हूँ, माड़ा मोटा गुजारा करता हूँ। आज मैं चाचे को साथ के ले गया हूँ, कचहरी क्लास 3 है, और मेरा मेरे को तेल चाहिए साहब, मैं को गरीब आदमी आज आया हूँ, 100 घर आ गए मेरे पास, सिर्फ ना का याद बैठा है, मेरे को अंदर कर देंगे। बुधवार को सभी पेट्रोल पंप बंद रहे, यानी पेट्रोल पंपों की हड़ताल रही। दरअसल राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन
सरकार द्वारा बढ़ाए गए 4% वेट के खिलाफ आंदोलनरत थे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए रोष स्वरूप एक दिन का सांकेतिक बंद रखा गया है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना था कि 4% वेट वृद्धि के चलते हरियाणा पंजाब से डीजल के रेट में 9 रुपए और पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए वृद्धि हो गई है, जिससे हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में संचालकों को काफी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, प्रदेश भर में बढ़ी हुई दरों से लोग प्रभावित हैं, जिससे प्रदेश भर में आज पेट्रोल पंप बंद रहे। हड़ताल के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई, लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों ने इसके लिए खेद जताया और अपनी बात कुछ इस तरह रखी। राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन, जो डीलर्स की एसोसिएशन है पेट्रोल पंप्स की, उसने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल रखी है। ये हड़ताल सभी पूरे राज्य में जितने भी पेट्रोल पंप हैं सभी कर रहे हैं। जो राजस्थान सरकार द्वारा 4% वैट की वृद्धि की गई थी, उसके कारण हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जो डीजल के और पेट्रोल के रेट के अंदर डिफरेंस है, वो बढ़ के अब लगभग 9 रुपये डीजल में और 7 रुपये पेट्रोल में हो गया है, जिसके कारण ये हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू जिले के जितने भी पेट्रोल पंप हैं उनकी बिक्री में लगभग 30% की कटौती हुई है। और जितने भी राजस्थान के साथ में लगते हुए जितने भी राज्य हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, उन सभी जगहों पे जो पेट्रोल और डीजल के रेट हैं वो सभी जगह पे कम है, जिससे कि जो बिक्री है पूरे राजस्थान के अंदर प्रभावित हुई है। उसी से रिलेटेड हमारी सरकार, राज्य सरकार से मांग है कि जो वैट उन्होंने बढ़ाया गया है, एक तो उसको वापस ले लें, और हनुमानगढ़ से और जयपुर के रेट के जो डिफरेंस है वही 3.5 रुपये है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के नाम पर लगता है। राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चा कल्याण समिति के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में बुधवार को प्रदेश भर में आगार कार्यालयों में बस स्टैंडों पर 1 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए बसों का संचालन बंद किया गया। इसी कड़ी में जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा बसों के पहिए जाम करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। बताया गया कि 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई कार्यवाही न होने के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों में आक्रोश है, जिसके विरोध में आज 1 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए बसों का संचालन बंद किया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रोडवेज कर्मचारियों से किए वादे पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो, रोडवेज कर्मचारियों से किए वादे पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुख्यमंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सचिन पायलट कर्मचारियों को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गारमेंट कर्मचारियों का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। रोडवेज डिपो के अंदर जो हमारे संयुक्त कर्मचारी का जो आह्वान था, जो हमें आदेश मिला था कि भी अपने को 10-11 अक्टूबर को धरने देने थे, 17 अक्टूबर को सचिन पायलट साहब के विधानसभा क्षेत्र में रैली की थी, उसी कड़ी में आज 23 तारीख को हम लोग ने 1 घंटे का जो कार्य है बहिष्कार का जो हमें आह्वान मिला था, उसी के तर्ज में आज हम 1 घंटे का कार्य बहिष्कार गाड़ियों को रोक के किया गया है, कि राज्य सरकार ने जो चुनाव से पूर्व हमारे से वादे किए थे, जो कर्मचारियों की वाजिब मांगे मानने के लिए माननीय पायलट साहब ने, माननीय खजरियावास साहब ने हमें आश्वस्त किया था कि अगर हमारी सरकार आई तो आपकी जो जायज़ मांगे हैं उनको माना जाएगा, परंतु लगभग 10 महीने हो गए, सरकार अभी हमारी कोई मांगे नहीं मान रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ये है हमारी खुद की, कर्मचारियों की, आपकी मांगे खुद की नहीं है। कर्मचारी तो मांग रहे हैं कि रोडवेज में जो नई बसें खरीदी जाए और नई भर्ती की जाए, और जो अपने कर्मचारियों की कमी है इनको पूरा करके, और रोड पर ज़्यादा बसें हो तो पब्लिक को सुविधा मिले, यही मांगे हैं। जो भी हमारी 7वें वेतन की मांग है या रिटायरमेंट कर्मचारियों की है, रिटायरमेंट कर्मचारियों को तो 2016 से जो बाद के हैं उनका भुगतान नहीं हो रहा, उससे पहले पहले का हुआ है, तो रिटायरमेंट कर्मचारियों का भुगतान किया जाए। कर्मचारी तो यहाँ तक भी छोड़ने को तैयार है कि यदि 7वां वेतन अभी नहीं दे सकते तो हमें 6 महीने के बाद भी दे दिया जाए। सफाई कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों से निकालकर मूल पद पर लगाने और सफाई कर्मचारियों की अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर बुधवार को अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा।
संगठन के प्रदेश सचिव बिहारी लाल अटवाल ने बताया कि नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों से अन्य विभागों में विभिन्न कार्यों में काम लिया जा रहा है, जिससे सफाई कर्मचारियों में मतभेद व आक्रोश फैल रहा है। इसके साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था भी चरमरा रही है। आज सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर हमने पूरे सफाई कर्मचारी भी हमारे साथ में हैं और समस्त सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो ये समस्या है कि काफ़ी समय से इनके बीच के अंदर जो सीनिटी जूनिटी को नहीं देखा जा रहा कर्मचारियों को, और पक्षपात करते हुए कर्मचारियों के साथ मतभेद किया जा रहा है। किसी को जमदार बना रखा है, किसी को SI बना रखा है और किसी को ऑफिसों में सेट कर रखा है, जबकि शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो सुचारू नहीं है। और अब इन दिनों के अंदर जो चुनाव का जो कार्य चल रहा है, पार्षदों का, वार्डों का चुनाव चल रहा है, तो वार्डों की जो सफाई व्यवस्था है उसकी शिकायतें वार्डवासी करते हैं बार बार नगर परिषद के अंदर, और वो समस्या इन पर आकर पड़ती है कर्मचारियों पर, और कर्मचारी उसके अंदर परेशान होते हैं। इनके काम करते हुए भी इनकी शिकायतें जाती है। कारण ये रह गया है कि सफाई कर्मचारी होते हुए भी सफाई कर्मचारी जो वार्डों के अंदर सफाई कर रहे हैं फील्ड के अंदर वो कम है, बाकी जो सफाई कर्मचारी है उनको किसी को जमदार बना रखा है सिफारिश के तौर पे, पक्षपात भाई भतीजावाद करते हुए, और किन्हीं को ऑफिसों में सेट कर रखा है, जबकि सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर सिर्फ DLBG के आदेश ये हैं कि सफाई का ही कार्य करेंगे। उनका एक आदेश भी निकला हुआ है इसी संबंध के अंदर, जो सफाई कर्मचारी 2018 के अंदर भर्ती के अंदर सफाई कार्य नहीं करेगा उसे तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ साथ कई तरह की प्रतियोगिताएं करवाई गई। इस अवसर पर हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DSP अतर सिंह शौराम थे। फाइन वगैरह या जो भी है भारी भरकम अभी हमने डिस्कस किया ये चीज बच्चों ने, ये आप लेकर चलिए कि ये कभी आपको देना ही नहीं पड़े। किसके पक्ष में वोट किया है, किसको फेवर किया है, चालान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक नियम हमारी सर्वोच्च कार्यपालिका संस्था संसद द्वारा अभी नए अध्यादेश के नए कानून के द्वारा लागू किए हैं, राज्यों के द्वारा इनको लागू किया जाना है। आप क्या मानते हैं, सरकार ने नियम कानून बनाए हैं वो अच्छे रिसर्च के बाद ही बनाए हैं और अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में जहां मनमानी आप, उदाहरण देता हूं वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर का, वेस्टर्न कल्चर में अपराध हो गया वो इजीली यस आई डू इट वो कन्फेस करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। अपनी कल्चर जैसा आप जानते हैं, एक बार कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया, उस पड़ोसी ने किया होगा, दूसरे ने किया होगा, हमने अपराध कर भी दिया तो भी अपना सिस्टम ऐसा है कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप उसका फॉलो विरोध ओपोज करते रहेंगे और आगे तक लड़ते रहेंगे, टाइम वेस्ट होता रहेगा। एक अध्ययन के हिसाब से सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं आप खुद भी परिचित हैं दुपहिया वाहन चालकों की होती हैं और मौतें उसी में होती हैं। बड़े वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है तो फेटल इंजरी हो सकती है, लेकिन लाइफ एट स्टेक, डेथ जितनी दुपहिया वाहन में होती है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।